गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही आप विधायक भपूत भयानी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन अब आप विधायक ने इन सभी अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल बीते कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि आप विधायक भयानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन खबरों के उलट जनता को आश्वस्त करते हुए भयानी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और न ही आप छोड़कर जाएंगे। बता दें कि आप विधायक भयानी ने ये दावा अपने पैतृक गांव में किया। भिसान में अपने पैतृक आवास के बाहर लगभग 3000 लोगों को संबोधित करते हुए भयानी ने कहा था, मैंने आम आदमी पार्टी के साथ रहने का वादा किया है, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आप पार्टी के निशान पर चुनाव लड़कर आया हूं, मैं अपने लोगों और अपनी पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं, और आप लोगों ने मुझे वोट दिया है और आप लोगों के वोट का मूल्य मैं समझता हूं। मैं आप लोगों से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता हूं। मैं मूर्ख नहीं हूं। गौरतलब है कि गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ आप में शामिल हुए भपूत भयानी ने विश्वदार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं इस सीट से जीत दर्ज करने के बाद भयानी आरएसएस की तारीफ कर रहे थे और आरएसएस को एक अच्छा संगठन भी बता दिया था। भयानी के इस बयान के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद अब भयानी ने अपना पाला साफ करते हुए आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाने की बात की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।